हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। चलो आज हम मेरी गोल्ड बुक में हम रिवीजन देखेंगे। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया ना आपका बिट्टू, और रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने असाइनमेंट आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है, तो आप सबने देख ली होगी है ना बच्चों। तो अभी एग्ज़ाम में होने वाले हैं चैप्टर नंबर क्या होने वाला है, 6, 7 और 8। मिस्टर नोबडी, कर्ली लॉक्स एंड थ्री बियर्स ऑन माई ब्लैक बोर्ड, आई कैन ड्रो एंड मेक इट शॉर्टर। ओके, और नाउ 8 नंबर यूनिट में है आई एम द म्यूजिक मैन एंड द म्यूजिक मुंबई म्यूजिशियन। ये सारी स्टोरी हमने पढ़ी और पोएम्स भी पढ़ी है ना, और आपने समझे भी हैं अच्छी तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं, फर्स्ट एग्ज़ाम। ओके, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में हमने आपको मैंने पेपर फॉर्मेट भी दे दिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा टोटल 50 मार्क्स का पेपर होगा। कितने मार्क्स का होगा बच्चों? 50 मार्क्स का, 50। ओके, तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि राइट करेक्ट ऑप्शंस इन द बॉक्स है ना। तो आपको बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको क्या करना है बच्चों, कि राइट ऑप्शन है जो बॉक्स में आंसर में लिखना है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक। ओके, ए पार्ट होगा उसमें फिल इन द ब्लैंक, जो 5 मार्क्स के रहेंगे। ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो राइट वन राइमिंग वर्ड्स। ओके, जो भी 5 मार्क्स के रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें अ सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, मैं इसका आपको करवाने वाली हूँ अभी रिवीजन में, जो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ओके, नाउ बी में है क्या है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द पिक्चर क्लू यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक करनी है। ओके, फिर उसके आंसर को चूज़ करने के लिए आपको बॉक्स में ही आंसर दिए गए होंगे, इसमें से चूज़ करके आंसर फिल कर देना है। ओके, फिर क्वेश्चंस नंबर 4 हैं, जो राइट अ प्यूलर फॉर्म हमने की थी। ओके, याद है आपको कि प्यूलर फॉर्म की थी। ओके, तो ये रिवीजन वीडियो में मैं भी इसमें करवाने वाली हूँ, बट आप वो भी वीडियो देख लें। ओके, फिर है फिल इन द ब्लैंक विद द अपोजिट जेंडर से थ्रू हमें फिल इन द ब्लैंक करनी है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, सी क्वेश्चन 4C में है, फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। अभी फिल इन द ब्लैंक है, जो करेक्ट फॉर्म में आपको फिल करनी है। ये मैं आपको अभी असाइनमेंट करवाऊंगी रिविजन्स में, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा, मतलब कि आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये मीन्स तो क्या क्या बोल रही है ऐसे नहीं, ओके ऐसे मत समझो, अभी मैं करवाने वाली हूँ, आपको भी आ जाएगा। हमने लेसन में भी ये सारी क्वेश्चन देखी थी। ओके, तो चैप्टर वाइज हमने सारी क्वेश्चन देखी थी, बट अभी हम ये रिविज़न वीडियो में भी करेंगे। ओके, तो आप टेंशन मत लो, आप सबको समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5A है, जो फिल इन द ब्लैंक है विद करेक्ट वर्ड। ओके, करेक्ट वर्ड के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है। और फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5B है, जो मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द टेबल। टेबल में से हमने किया था, ये टेबल पूरा किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ी क्वेश्चन फिर से सेंटेंस बना के राइट करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C है, जो मेक अ न्यू वर्ड्स जॉइनिंग द वर्ड्स। ओके, तो आपको न्यू वर्ड बनाने हैं, जॉइनिंग टू वर्ड्स को जॉइन करके न्यू वर्ड बनाने। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 1 है जो 10 मार्क्स का रहेगा, राइट द करेक्ट ऑप्शंस ABCD इन द बॉक्स। इस तरह से आएंगे आपके क्वेश्चन। फर्स्ट है देखो यहाँ पर, हु इज़ द मिस्टर नोबडी, जो असाइनमेंट में PDF प्रोवाइड की है, तो उसमें बच्चों ये क्वेश्चन आंसर है ही, तो आपको आंसर फिल कर देना है यहाँ से लर्न करके। ओके, तो हु इज़ मिस्टर नोबडी, हमने जब यूनिट नंबर 6 पढ़ा था, मिस्टर नोबडी पढ़ा था, तो ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया था, मिस्टर नोबडी कौन है। तो दिस ए ऑप्शन है एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन। बी है, सी ऑप्शन है अ फैनी लिटिल मैन। डी है अ सेड लिटिल मैन। तो क्या है बच्चों ऑप्शन इसमें, यस आंसर इज सी रहेगा, अ फनी लिटिल मैन। तो आपको ये बॉक्स में, यहाँ पर एक बॉक्स होगा, तो वहाँ पर आपको आंसर लिखना है सी। ओके, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन फिल करना है। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन रहेगा बच्चों, देखो यहाँ पर मिस्टर नोबडी इज क्वाइट एज अ डेस्क।
तो मिस्टर नोबडी कैसे हैं? तो रैबिट की तरह हैं, रेट हैं, कैट या माउस? तो हमने पोएम में पढ़ा था मिस्टर नोबडी माउस की तरह चीफ शरारती करता रहता है। ओके नाउ है ना बच्चों, देखो हमने पढ़ा था मिस्टर नोबडी वाइट एज अ माउस। ओके तो यहाँ पर आंसर इज डी, क्या रहेगा बच्चों? डी। और फिर है थर्ड, देखो यहाँ पर ये नहीं लेना है। ओके तो ये है मिस्टर नोबडी डज नॉट अ लॉट ऑफ, तो क्या है मिस्टर नोबडी डज अ लॉट ऑफ क्या करता है? मिसचीफ, वर्क, क्लीनिंग या प्ले? तो मिस्टर नोबडी हमें शरारती करके परेशान करता है, तो हु डज द मिसचीफ, तो कौन करता है? तो ए, आंसर इज ए, बहुत सारी शरारती करके परेशान करता रहता था। ओके मिस्टर नोबडी, समझ में आया बच्चों? अभी यहाँ पर है चलो आगे देखते हैं बच्चों। अभी हमने यूनिट नंबर 6 में ही स्टोरी पढ़ी थी कर्ली लॉक्स वाली, है ना, पढ़ी थी ना, याद है आपको कर्ली हेयर वाली गर्ल्स की स्टोरी? यस। तो उसमें से है तो करेक्ट ऑप्शन द कर्ली लॉक्स वेंट टू अ डैश नियर हर हाउस। तो कहाँ गई थी कर्ली लॉक्स? यस, फॉरेस्ट, जू, कॉटेज या लेक? तो फॉरेस्ट में गई थी, है ना, उसके घर के पास एक थोड़ा जंगल था, वहाँ पर जंगल में गई थी। यस, तो ऑप्शन इज ए, तो आंसर ए। ओके फिर सेकंड है देयर वॉज डैश इन द कॉटेज, तो यहाँ पर एनी बडी, सम बडी, एवरीबडी या नो बडी? तो कॉटेज में कोई नहीं था, है ना, कोई नहीं था, तो आंसर इज डी। ओके कल्ली लॉक्स जब कॉटेज में गई थी तो उसमें कोई नहीं था, तो डी। अभी थर्ड है, देखो यहाँ पर द डैश लिव इन द कॉटेज, तो कॉटेज में कौन रहता था? फोक्स फैमिली, मंकी फैमिली, बियर फैमिली या जीरा फैमिली? तो आंसर इज सी, कौन रहता था? यस, बियर फैमिली, है ना, तो यहाँ पर आंसर लिखना है सी। ओके अंडरस्टैंड बच्चों, इसी तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। ओके फिर एक है, देखो यहाँ पर द बिग बेड वॉज अ वेरी बिग बेड कैसा था बच्चों? यस, हॉट था, बी हार्ड था, सी ऑप्शन है कोल्ड या डी ऑप्शन है सॉफ्ट? तो कैसे था? बी हार्ड। ओके तो आंसर यहाँ पर बॉक्स में लिखना है बी। ओके अंडरस्टैंड बच्चों, अभी नेक्स्ट है बच्चों, अभी नेक्स्ट है यूनिट नंबर 7 के ही थोड़े बच्चों, राइट करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमने यूनिट नंबर 7 में पोएम पढ़ी थी ऑन माय ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रो। ओके हमने ये पढ़ा था ना, तो उसके रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हैं। तो फर्स्ट है, देखो यहाँ पर व्हाट हैज़ द चाइल्ड ड्रो ऑन अ ब्लैक बोर्ड, बच्चे ने अपने ब्लैक बोर्ड पे क्या ड्रॉ किया था? सन, मैरीगोल्ड, हाउस या स्कूल? तो क्या ड्रॉ किया था उसने? हाउस। तो ऑप्शन है सी राइट। ओके तो यहाँ पर बॉक्स में आपको सी फिल करना है। ओके ये आपके सारे असाइनमेंट में दी गए हैं। ओके तो आप देख लेना, ओके इनमें से ही है क्वेश्चंस, तो मैं ये सारे करवा देती हूँ, तो इनमें से आपको आंसर राइट करना है। द डोर ऑफ द हाउस इज कैसा था? ग्रीन, येल्लो या वाइट? रेड। तो हाउस इज हाउस के घर के दरवाजे कैसे थे? ग्रीन, हमने पढ़े थे, मैंने पिक्चर भी दिखाया था आपको। ओके याद है आपको? यस, नहीं देखा है तो ये आपको यूनिट नंबर 6 की है वीडियोस जो हमारे चैनल पे है ही, तो आप देख लेना। ओके द गेट्स आर डैश रेड, ब्राउन, वाइट या येल्लो? तो ब्राउन। ओके तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट। ओके हाउ मेनी विंडोज आर देयर, ओके वहाँ पर कितने विंडो थे? ओके घर में कितने विंडो थे? तो 2, 3, 4 या 5? तो यस, आंसर इज डी, 5। ओके फिर हाउ मेनी मैरीगोल्ड्स आर देयर, वहाँ पर कितने मैरीगोल्ड्स थे? तो हमने पोएम में पढ़ा था कि 6 मैरीगोल्ड है ना, तो 6 यहाँ पर 6 ए ऑप्शन है, तो आंसर इज ए। ओके यहाँ पर सारे ऑप्शन देख लेना है, 6 है, 5 है, कलर 4 है, 3 है, बट मैरीगोल्ड इज 6, तो आंसर ए यहाँ पर राइट करना है। ओके द मेरी गोल्ड आर डैश वाइट, ग्रीन, येल्लो या रेड? मेरी गोल्ड आर है, तो क्या है मेरी गोल्ड की क्या बना? वाइट, ग्रीन, येल्लो या रेड? तो मेरी गोल्ड का कलर कौन सा था? यस, येल्लो। तो नाउ आंसर इज सी। ओके द मेरी गोल्ड आर रोइंग अगेंस्ट द वॉल, है ना, तो यहाँ पर विंडो है, वॉल है, डोर है और गेट्स, यहाँ पर वॉल। ओके आंसर इज बी। ओके अंडरस्टैंड बच्चों, इस तरह से आपको
आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, जो आपको लर्न कर लेना है। ओके बच्चों, फिर यहाँ पर है बच्चों, देखो यहाँ पर अकबर वाली स्टोरी पढ़ी थी ना, अकबर एंड बीरबल, तो यहाँ से भी होगा। अकबर ड्रो अ डैश ऑन द फ्लोर, तो अकबर ने क्या ड्रॉ करने की, लाइन, सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल। यस, हमें मालूम है कि लाइन। ओके, तो आंसर इज ए, यहाँ पर लिखना है ए। फिर सेकेंड, अकबर ऑर्डर टू मेक द लाइन डैश, अकबर ने क्या ऑर्डर किया था, यस लॉन्गर, शॉर्टर, थिकर, के लाइन को कैसे बनाना है, तो नाउ शॉर्टर। ओके, तो आंसर इज बी, आपको यहाँ पर बी लिखना है। ओके, फिर ऑल द मिनिस्टर्स वेयर डैश, तो एंग्री, हैप्पी, क्लेवर या पजल्ड। ओके, तो नाउ डी, आंसर इज डी। और फोर है, बीरबल ड्रो अ डैश लाइन अंडर अ फर्स्ट वन, तो अभी क्या हुआ, अकबर ने क्या किया था, लाइन अंडर ड्रो कर दी थी, लॉन्गर लाइन है ना, जो उसकी वजह से लाइन शॉर्ट हो गई, तो आंसर इज सी। ओके, चलो हमने बच्चों देखा था म्यूजिक मैन, म्यूजिक मैन, आई एम द म्यूजिक मैन, ओके, आई कम फ्रॉम फार अवे, ये स्टोरी पोएम हमने पढ़ी भी थी है ना, तो उसके रिलेटेड ये तीन क्वेश्चन थे यहाँ पर। व्हाट डज द चाइल्ड कॉल हिमसेल्फ, तो अपने, व्हाट डज द चाइल्ड कॉल हिमसेल्फ, तो म्यूजिक मैन, म्यूजिकल बॉय, म्यूजिक मैन या म्यूजिक बॉय। देखो यहाँ पर पूरे सारे ऑप्शन मेन हैं, यहाँ पर बॉय है, म्यूजिकल मैन नहीं, बट म्यूजिक मैन। ओके, तो नाउ आंसर इज सी, तो यहाँ पर आपको सी। ओके, फिर द म्यूजिक मैन कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया था, नियर बाय, फार अवे, क्लोज बाय। द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, हमने पोएम पढ़ा था, नियर बाय, फार अवे, क्लोज बाय या डिस्टेंस, तो यस आंसर इज बी, फार अवे। ओके, फिर व्हाट कैन यू म्यूजिक मैन प्ले, तो म्यूजिक मैन क्या बजाता है, फ्लूएंट एंड ड्रम, पियानो या फ्लूएंट, गिटार एंड ड्रम या पियानो या ड्रम, तो पियानो एंड ड्रम, आंसर इज डी। इस तरह से आपके पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की दी कर दी है, उसमें जो क्वेश्चन है आपको इस तरह से। चलो ये है, हमने गोपू वाली स्टोरी पढ़ी थी ना बच्चों, यूनिट नंबर 8 में है ना, तो यहाँ पर है गोपू वर्क फॉर अ डैश, तो वॉशरमैन, फार्मर, मिल्कमैन या टेलर, तो कहाँ पर काम करता था वो गोपू, यस फार्मर के यहाँ पर, तो आंसर इज बी, तो आपको यहाँ पर बी राइट कर देना है। ओके, फिर गोपू कैरिड अ हैवी स्नैक ऑफ, क्या लिया था उसने, सैंड एंड मड, ग्रास एंड कॉर्न, वीट एंड राइस या कॉर्न एंड सुगर, तो यस कॉर्न एंड सुगर ली थी उसने, तो यहाँ पर लिखना है कॉर्न एंड सुगर। फिर थर्ड नंबर है, द फार्मर आस्क्ड गोपू टू सी द वर्ल्ड बिकॉज हिज वॉज डैश, तो टायर्ड एंड ऑल, यंग एंड हैप्पी, टायर्ड एंड सैड एंड ओल्ड एंड हैप्पी, तो क्या हुआ था, टायर्ड एंड ओल्ड। ओके, तो गोपू ने इस तरह से अपनी स्नैक्स लेके फार्मर के यहाँ से गया था, टायर्ड एंड ओल्ड हो गया था ना, इसीलिए उसको भेज दिया था, है ना, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आंसर फील कर देना है ना बच्चों। तो ये आपके रहेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2A में रहेगा, फिल इन द ब्लैंक 5 मार्क्स की रहेगी। ओके, तो यहाँ पर है देखो, थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स मैं करवा रही हूँ आपको, ये आंसर आपकी पीडीएफ में नहीं है, तो आप फिल कर देना। ओके, तो ना फर्स्ट है कर्ली लॉक्स हैड, इस तरह से आपको बी आएंगे। ओके, इन ब्रैकेट में आंसर, तो वहाँ पर से चूज करके आपको लिखना है, कर्ली लॉक्स हैड, कर्ली हैड डैश हैड, तो कैसे हैड थे कर्ली लॉक्स के, यस कर्ली है। ओके, फिर सेकेंड है द पोरिट इन द बिग बाउल वॉज वेरी हॉट, है ना, तो आंसर इज हॉट। फिर थर्ड है द पोरिट इन द मिडल साइज बाउल वॉज द टू, क्या है डैश, तो क्या होगा कोल्ड, मिडल साइज का पोरिट कैसे था, कोल्ड था। और द पोरिट इन द टीनी लिटिल बाउल वॉज जस्ट ड्राई, टीनी बाउल का पोरिट कैसे था, राइट। ओके, आंसर इज राइट। द बिग बेड वॉज अ वेरी कैसे था, हार्ड, बिग बेड वॉज कैसे था, हार्ड। ओके, ये आंसर है फिल इन द ब्लैंक। ओके, फिर नेक्स्ट ब्लैंक, ओके, फिल इन द ब्लैंक रेड, वाइट, ब्राउन, येलो एंड ग्रीन, तो यहाँ पर फर्स्ट है डैश डोर, तो डोर कैसा था हाउस का, ओके, तो ग्रीन, आंसर इज ग्रीन डोर। फिर सेकेंड है डैश गेट, तो कैसे गेट से,
ब्राउन, ओके, तो ब्राउन गेट्स। फिर थर्ड है डिस स्टेप, तो कैसे स्टेप थे, रेड, ओके, फिर आंसर इज रेड। और फोर में थे डैश चिमनी, तो वाइट चिमनी, कैसी चिमनी थी, वाइट। एंड फाइव नंबर है डैश मेरी गोल्ड, तो येल्लो मेरी गोल्ड, ओके। हेलो बच्चों, देखो अभी सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू बी। अभी आपको यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखना है। राइमिंग मतलब कि जो पीछे वाले प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो थोड़े थोड़े सेम होते हैं, इसे बोलने से सेम लगते हैं। देखिए यहाँ पर है बनी फनी सनी, ब्लाउज हाउस माउस, इस तरह से आपको राइमिंग वर्ड पूछे जाने वाले हो, ओके, जो मैंने आपको पीडीएफ है उसमें प्रोवाइड कर दी है, तो आप वहाँ से थोड़े देख लेना, ओके। बनी फनी विथ आंसर के साथ मैंने ये लिख लिया है, ओके, दिया है आपको, तो इस तरह से ये राइमिंग वर्ड होंगे, ओके। केबल है तो टेबल, कर्ली तो अली, ब्राइट लाइट, ओके, यहाँ पर सारे लिखे नहीं है, इस तरह से आपको करना है, ओके। होल्ड है HOLD, होल्ड तो टोल, VN वैन तो MN मैन, ओके, होल्ड टोल बग जग गम सन सम सम, ओके, गम सम, ओके, सन, इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर्स 3A रहेंगे, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। अभी आपको क्या करना है बच्चों, डिस्क्राइबिंग वर्ड, सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड, हमने ये लेसन्स में पढ़े थे, ओके, जब मैं आपको करवा रही थी, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, ओके, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, आपने नहीं देखा होगा वीडियो, बट आपको याद आ जाएगा, ये देख लो आप, ओके, एक्सरसाइज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ओके। फर्स्ट है एग्जाम्पल, देयर आर द रेड रोजेज इन द बिग फ्लावर पॉट, ओके, तो देयर आर द रेड रोजेज, ओके, तो रोज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके, तो नाउ रेड और बिग फ्लावर पॉट कैसा है, बिग, और रोजेज कैसे हैं, रेड, आपको कैसे हैं, कैसा है, ऐसे क्वेश्चन पूछने से आपको ये डिस्क्राइबिंग वर्ड मिल जाएंगे। रोजेज कैसे हैं, तो रेड, तो रेड इज अ डिस्क्राइबिंग, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ओके, तो रोज इज अ डिस्क्राइब मतलब कि रेड है बिग है, वो दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसको सर्कल करना है। अभी नेक्स्ट देखो, देर आर अ ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, अभी आसमान में क्लाउड है बट कैसे है, तो उसका कलर यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है, ये ब्लैक कलर है, तो ये ब्लैक इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो उसे हमें सर्कल करना है। फिर सेकेंड है जय हैज अ स्मॉल बैग, जय के पास किसी बैग है, स्मॉल, तो नाउ आंसर इज स्मॉल, बैग कैसे है, ये स्मॉल, तो स्मॉल को डिस्क्राइबिंग करना है, ओके, सर्कल करना है। फिर नेक्स्ट है ही इज अ फनी बॉय, तो बॉय कैसा लड़का है, फनी, बॉय कैसा है, फनी, तो फनी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो इसे सर्कल करना है। नेहा हैज अ कर्ली है, हेयर कैसे है नेहा के, बाल कैसे हैं, यस कर्ली, तो कर्ली पे आपको डिस्क्राइब सर्कल करना है। वी आर हंग्री, हम कैसे हैं, हंग्री, भूख से तड़प रहे हैं, तो हंग्री इज अ डिस्क्राइबिंग, ओके, तो नाउ हंग्री पे राउंड करना है। द एलिफेंट हैज अ शॉर्ट टेल, द एलिफेंट के टेल कैसे हैं, तो शॉर्ट, तो शॉर्ट पे सर्कल करना है। द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, जिराफ की नेक कैसे है, लॉन्ग, तो लॉन्ग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो उस पर सर्कल करना है। फिर नेक्स्ट है द फैट कैट सेट ऑन द न्यू मैट, अभी न्यू मैट है ये भी है, कि कैट कैसे है, फैट है, तो न्यू एंड फैट, ओके, ये दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड है। हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इन द टुडे, तो वाइंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो ये स्ट्रॉन्ग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो सर्कल करना है। टीना इज अ क्वाइट गर्ल, तो टीना क्वाइट कैसी लड़की है, क्वाइट, मतलब कि यहाँ पर आपको सर्कल करना है, ओके, ओके बच्चों, आपने देखा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड, ओके, समझ लिया आपने क्वेश्चन नंबर, अभी आगे बैठते हैं थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 3B में है, जो पिक्चर क्लू दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पर देखो पिक्चर क्लू दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक्सरसाइज, ओके, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द पिक्चर क्लू, ये है बी, ओके, तो नाउ फर्स्ट है अस बजी अस अ बी, बी की तरह, ओके, तो बी आंसर इज बी, ये पिक्चर क्लू की अकॉर्डिंग आपको फील करना है आंसर। एज प्राउड एज अ पीकॉक, ओके, फिर थर्ड है यहाँ पर अ जेंटल एज अ सीप, ओके, यहाँ पर सीप अदरवाइज लैम्प, ओके, आप इस तरह से लैम्प लिख सकते हो, ओके।
डैश है एज अ ग्रीन एज अ ग्रास, ओके ग्रास की तरह ग्रीन, एज अ ब्रेव एज अ लाइन की पिक्चर है तो यहाँ पर लाइन, ओके सिक्स नंबर है एज अ फैट एज अ पिग तो पिग लिख सकते हो, ओके एज अ बिग एज अ एंड बिग कौन है एलिफेंट की क्लू है यहाँ पर तो यहाँ पर एलिफेंट आंसर लिखना है, एज अ कनिंग एज अ क्या है यहाँ पर क्लू फॉक्स एफ एक्स फॉक्स, ओके फिर एज अ लाइट एज अ फेदर, ओके यहाँ पर हमने क्वील अदरवाइज फेदर आपको फेदर लिखना है, ओके क्वील या फेदर, ओके फिर एज अ फास्ट एज अ किसकी तरह यहाँ पर क्लू किसके हैं डियर की, यस yes, तो आपको यहाँ पर ये राइट करना है, ओके समझ में आए बच्चों ये, ओके वेरी गुड। चलो बच्चों अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4A, राइट द प्यूलर फॉर्म प्यूलर ऑफ फॉलोइंग वर्ड, अभी है आपको प्यूलर फॉर्म सिंगुलर से प्यूलर फॉर्म करनी है, ओके तो हमें यहाँ पर बेंच है, देखो यहाँ पर मैंने ये आपको करवाई थी, ओके वीडियो में फिर से हम सेकेंड टाइम लर्न कर लेते हैं, बेंच है तो यहाँ पर क्या होगी इसके प्यूलर में बेंचेस, ब्रश है तो ब्रशेस, ओके ग्रास है तो सॉरी ग्लास है तो ग्लासेस, बॉक्स है तो बॉक्सेस, बस तो बसेस, टमेटो तो टमेटोज, डियर डियर, सिप सिप, टूट तो इसकी होगी पिलर होम टीच, गूस तो गीस, ओके वुमन वुमैन, माउस माइस, ऑक्स ऑक्सेन, चाइल्ड चिल्ड्रंस, मैन 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 मैन, क्लास क्लासेस, ओके इस तरह से आपको प्लूरल फॉर्म राइट करना है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4B, जो हमें फिल इन द ब्लैंक होगी, जो अपोजिट जेंडर को अपोजिट जेंडर से आपको फिल करनी है, फिल इन द ब्लैंक विद अपोजिट जेंडर, चूज योर आंसर इन द बॉक्स, बॉक्स में आंसर आएंगे उसमें से आपको चूज करना है, तो यहाँ पर है देखो अंजूस मदर एंड डैश कम इन टू द स्कूल, तो यहाँ पर मदर है, मदर की पिलर हो अपोजिट जेंडर क्या होगी मदर द फादर, ओके तो आपको आंसर लिखना है फादर, फिर माय अंकल एंड डैश कम टू विजिट ऑन मंडे तो अंकल और आंट, ओके फिर द लायन एंड डैश लुक एट अ लवली देयर कब तो लायन एंड लायनेस, ओके फिर नेक्स्ट है किंग द किंग एंड डैश सेट ऑन द ब्यूटीफुल थॉर्न्स तो यहाँ पर किंग तो क्वीन, ओके तो किंग क्वीन, ओके फिर यहाँ पर द मैन इज रनिंग एंड द डैश इज वॉकिंग तो मैन एंड वुमन, ओके नाउ माई ग्रैंड फादर एंड डैश वेंट टू द मार्केट, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, मैन वुमैन, किंग क्वीन, लायन लायनेस, अंकल आंट, मदर फादर, ये है हमारी अपोजिट जेंडर की फिल इन द ब्लैंक, ओके। चलो बच्चों हमने जब लेसन पढ़ते वक्त हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4C में जाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, हमने ये पढ़ा था, ओके फिर से हमें रिवाइज कर लेते हैं, ओके ये है टॉल तो ये है टॉलर एंड टोलेस्ट, ओके ये है स्मॉल स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ये वर्ड पे ध्यान देना है, ओके फिर लॉन्ग लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर एंड शॉर्टेस्ट, फिर है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके इसी तरह आपको ये क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4C टेबल आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है करेक्ट फॉर्म्स, ओके शॉर्ट टो शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ओके इस तरह से शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, ओके तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्लीन क्लीनर क्लीनेज, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, ओके स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर ये सारे वर्ड हैं इस तरह से आपको फील करना है, यहाँ पर ER लगाना है और यहाँ पर EST लगाना है, ब्राइट टो ब्राइटर, ओके फिर ब्राइटेस्ट, ओके स्मॉल तो स्मॉलर स्मॉलेस्ट, हार्ड टू हार्डर हार्डेस्ट, ओके यंग टू यंगर यंगेस्ट, ओके बच्चों ये समझ में आई होप ये आप समझ गए होंगे, ओके तो आपको इस तरह से आपके PDF में आंसर फिल कर देना है, ओके फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 5A में जाएंगे, ओके आपको ये क्वेश्चन नंबर 5A
हेलो बच्चों, देखो हम क्वेश्चन नंबर 5A ओके आगे बढ़ते हुए ओके फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। अभी फिल इन द ब्लैंक है जो करेक्ट वर्ड से आपको फिल करना है। फर्स्ट है यहाँ पर देखो बच्चों, द डैश इज शाइनिंग ब्राइट तो सन, एस यू एन सन ओके, एस यू एन सन, सन मतलब कि सूरज होता है, ये सन मतलब कि बेटा होता है, पुत्र होता है ओके। तो आपको ये फिल करना है। फिर डैश सेकेंड है डैश हैव अ बुक, तो यहाँ पर आई हैव अ बुक, आई नहीं बच्चों ओके, ये आई नहीं, ये आई ओके। और फिर थर्ड है ही डैश एन एप्पल, तो एट ओके एट। फिर यहाँ पर फोर नंबर है कैन यू डैश थंडर, तो यहाँ पर हियर वाला डंडर ओके, एच ई ए आर हियर ओके। फिर फाइव नंबर है शिप्स टेल ऑन द सी ओके, ये सी मतलब कि देखना होता है, तो ये सी दरिए पे ही तैरेगा ना सी ओके। फिर सिक्स नंबर है द मंकी हैज लॉन्ग टेल ओके, टेल मतलब स्टोरी, ये टेल होगा ओके। यहाँ पर सेवन नंबर है देयर आर सेवन डेज इन अ वीक, ये वीक तो मतलब कि वो वीक होगा मतलब कि ये वीक ओके, डब्लू डबल ई के वीक ओके। फिर एट नंबर कैन यू डैश द बर्ड्स, आपने देखा है यस, तो सी बर्ड को देखना ही होता है ओके, ये तो दरिया सी मतलब के दरिया होता है समुद्र ओके। तो नाउ नाइन नंबर माय आंसर इज डैश, तो राइट एंड राइट तो राइट। फिर टेन नंबर देयर आर डैश पेंसिल्स इन द बॉक्स, तो कितनी देयर आर एट पेंसिल, एट एट ये मतलब के खाना होता है, ये तो एट ओके एट, ई आई जी एच टी एट ओके। देखो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 5B में है, मेक द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द टेबल, टेबल में से आपको वर्ड चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक करना है ओके, सॉरी सेंटेंस बनानी है ओके, और फिर से यहाँ पर राइट करना है। तो अ फार्मर और क्या होगा वर्ब्स ऑन द, क्या होगा वर्ब्स ऑन द फील्ड ओके। ये मैंने आपको पूरे पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से करवाया था ओके, तो आप देख लेना ओके। देखो यहाँ पर फार्मर वर्क्स इन द फील्ड ओके, तो ये आपको लिखना है अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। फिर सेकेंड है अ सोल्जर, सोल्जर क्या कहता है वेयर, सोल्जर्स वेयर अ यूनिफॉर्म ओके, यहाँ पर मैंने लिखना है अ सोल्जर वेयर अ यूनिफॉर्म। अभी है थर्ड अ सिंगर, सिंगर्स सिंगर सिंग सॉन्ग ओके, तो यहाँ पर मैंने लाइट कर दी सिंगर सिंग सॉन्ग। फिर है एन इलेक्ट्रीशियन ओके, इलेक्ट्रीशियन रिपेयर लाइट्स ओके, रिपेयर एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर लाइट्स ओके। फिर फाइव नंबर है अ पायलट, पायलट फ्लाई अ प्लेन ओके, यहाँ पर है अ प्लेन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अ पायलट फ्लाई अ प्लेन ओके। फिर नाउ एन एक्टर, एक्टर एक्टर क्या कहता है एक्ट ओके, तो एक्टर एक्ट ये एक्ट रहेगा ओके, एक्टर एक्ट इन फिल्म ओके, पिक्चर में काम करता है ना एक्टर ओके, एक्ट करता है ना, तो यहाँ पर एन एक्टर एक्ट इन फिल्म। सेवन नंबर है अ म्यूजिशियन, म्यूजिशन प्ले प्लीज, म्यूजिशन प्लीज क्या बजाता है ओके, म्यूजिशियंस प्ले म्यूजिक ओके, वेरी गुड, तो म्यूजिशियंस प्ले म्यूजिक। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5B करना है। ये हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से, मेक अ न्यू वर्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड, अभी टू वर्ड को ज्वाइन करके न्यू वर्ड बनाना है ओके। यहाँ पर है देखो बच्चों बारिश हो रही है ओके, रेन प्लस कोट इज इक्वल टू रेन कोट, तो हमने रेन बन रेन प्लस कोट, तो यहाँ पर क्या कौन सा न्यू वर्ड बन गया रेन कोट, तो आपको ये वर्ड बनाना है ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है सन प्लस फ्लावर, तो सनफ्लावर कौन सा वर्ड बन गया, सन और फ्लावर को ऐड करके सनफ्लावर ओके। रेन प्लस बो, तो रेन एंड बो को ज्वाइन करके क्या हो गया रेनबो। फिर फुट एंड बॉल, तो फुट एंड बॉल को ज्वाइन करके क्या बन गया फुटबॉल है ना। फिर ये ईयर
प्लस रिंग, तो ईयर रिंग, ओके ये दोनों वर्ड को ज्वाइन करके ईयर रिंग बन गई, ओके टी पोट टो टी पोट, ओके बच्चों इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ओके दो वर्ड को ज्वाइन करके आपको वर्ड बनाने हैं, ओके यहाँ पर आपके मेरी गोल्ड की पीडीएफ जो प्रोवाइड की है उसके सारे आंसर मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, तो आपको फिल कर देना है, ओके एग्जाम में आपको वो सारे लर्न कर लेना है, ओके नाउ बेस्ट ऑफ लक बच्चों, सी यू अगेन, बाय बाय।